गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हाउ टू अटेम्प्ट एनी मॉक टेस्ट पेपर। जो बच्चे जेई और नीट का तैयारी कर रहे हैं और उनका मॉक टेस्ट पेपर पे बहुत ही कम नंबर आता है, तो मैं जो यहाँ स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ आप उसको अप्लाई कर सकते हैं और अपने नंबर को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे IIT जी की तैयारी कर रहे हैं तो उनको तीन सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। तो पहला सब्जेक्ट है फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, ठीक है। तो मैं सारे सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा बोल देता हूँ कि कौन सा पेपर कैसा आता है, ठीक है। तो जनरली मैथ का पेपर क्या होता है, थोड़ा लेंथी बनाया जाता है, लेंथी आता है, ठीक है। तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग थोड़ा ज़्यादा आता है, फिर उसके बाद टाइम टेकिंग फिजिक्स है, फिर केमिस्ट्री के सवाल जल्दी बन जाते हैं। तो केमिस्ट्री में कम समय में ज़्यादा सवाल होते हैं, ठीक है। तो उसमें से भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के सवाल अगर आपको याद है तो आपको 5 मिनट में 6 से 7 सवाल आसानी से बन जाते हैं, ठीक है। तो आपको स्टार्ट कैसे करना है, तो मैं पहला रूल बताता हूँ, 50-30-50 रूल। तो ये रूल क्या कहता है कि ये रूल कहता है कि आप फिजिक्स को 50 मिनट दीजिए पहले राउंड, आपको पेपर बेसिकली मैक्सिमम 3 राउंड में दे सकते हैं, ठीक है। मिनिमम तो 2 राउंड में दे ही सकते हैं, तो मिनिमम 2 राउंड में करना है। पहले राउंड में क्या करना है, आपको सारे इजी क्वेश्चन बना देना। तो पहले राउंड में फर्स्ट राउंड की बात कर रहे हैं, फर्स्ट राउंड में क्या करना है, आपको सारे इजी क्वेश्चन बना देना, ठीक है। इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन क्यों बना लेना है, क्योंकि क्या होता है कि इजी क्वेश्चन भी 4 मार्क्स का है, ठीक है। आपका इजी क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, इजी क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, हार्ड क्वेश्चन भी आपका 4 मार्क्स का, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन भी 4 मार्क्स दे रहा है, आपको हार्ड क्वेश्चन भी क्या मार्क्स दे रहा है, 4 मार्क्स। तो आपको क्या है, आपको आसानी है इसमें, तो इसमें ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। मैं जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई पेड़ है, ठीक है, तो उसमें अभी जैसे गर्मी का सीजन है तो आम के फल लगे हुए, तो आप वो वाला आम नहीं तोड़ेंगे जो पेड़ के सबसे ऊपर में है, आप वो आम तोड़ेंगे जो नीचे में है, आपको आसानी से टूट जाए। तो आपको यही काम करना है, एग्जाम में आपको इजी क्वेश्चन पहले बना देना, ऊपर वाले आम तोड़ेंगे फिर भी आपको एक ही आम मिलेगा, नीचे वाले तोड़ेंगे वही आम मिलेगा। तो सबसे अच्छा है कि आप इजी क्वेश्चन पहले बना, ठीक है। तो पहले राउंड में क्या करना है, इजी क्वेश्चन पे फोकस करना है। उसमें क्या करना है, 50 मिनट फिजिक्स को देना है, 30 मिनट केमिस्ट्री को देना है, और फिर से 50 मिनट मैथ को देना है, क्लियर है। हाँ, एक चीज और है, अगर जैसे ही 50 मिनट से थोड़ा ज्यादा टाइम हुआ तुरंत स्विच कर जाना है दूसरे सब्जेक्ट, ठीक है। फिर इसमें अगर 30 मिनट से थोड़ा ज्यादा टाइम हुआ तो तुरंत स्विच कर जाना है आपके मैथ्स वाले पेपर में। अच्छा, तो आपको क्या करना है कि किससे स्टार्ट करें पेपर, तो आपको जिसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस है, आपको जो सब्जेक्ट ज्यादा स्ट्रांग है उसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है, तो आप पेपर उसी से स्टार्ट कीजिए। किसी को मैथ्स में ज्यादा है तो मैथ से स्टार्ट कीजिए, फिजिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट है तो फिजिक्स से स्टार्ट कीजिए, केमिस्ट्री में ज्यादा इंटरेस्ट है तो केमिस्ट्री से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप अपने अनुसार पेपर को दे सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, 50 मिनट फिजिक्स देना है पहले राउंड में फर्स्ट राउंड, 30 मिनट केमिस्ट्री को देना है, और मैथ्स में 50 मिनट करना है, ठीक है। तो आपको पहले राउंड में क्या होगा कि इजी क्वेश्चन आपको छाट के बना लेना, ठीक है। फिर आपको बनाते समय कुछ क्वेश्चन वैसे होंगे जो तुरंत बन जाएंगे, देखते ही लग जाएगा, बन जाएगा, और सॉल्यूशन भी आपको कम टाइम में लगेगा। कुछ क्वेश्चन होंगे लेंदी होंगे लेकिन टाइम टेकिंग होंगे, लेकिन वो भी बन जाएंगे, तो उसको पहले राउंड में नहीं करना, ठीक है। तो आपको मॉडरेट क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन है ना, ये सेकेंड राउंड में दे दिया, ये फर्स्ट राउंड में दे दिया, ठीक है। ये सेकेंड राउंड में इसको क्या कर दिया, पहले राउंड में इसको घेरा कर दिया, ठीक है। इसको जैसे मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे आपके क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। पहले क्वेश्चन पर गए, ठीक है, बहुत इजी थे, तुरंत बना लिया। क्वेश्चन नंबर 2 में गए तो ये भी इजी थी, इसको भी बना लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, इसको लेंदी है लेकिन बन जाएगा, तो इसको क्या कर देना, इसको मतलब कुछ भी आप अपने अनुसार दे सकते हैं, मान लीजिए ए दे दिया, ठीक है, ए दे दिया, मतलब इसका मतलब है कि ये बन जाएगा लेकिन दूसरे राउंड में इसको बना लेना, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होंगे 50-50 होंगे, अपने बजट, जैसे एक क्वेश्चन है उसका ऑप्शन है ए बी सी डी, ठीक है, तो ए बी सी डी है, आपने ये ऑप्शन और ये ऑप्शन छांट दिया, तो ऑप्शन बी और सी है, तो पहले राउंड में
थोड़ा मत लगाइए, ठीक है ना, इसको भी घेर दीजिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपने मान लिया क्वेश्चन नंबर 4 में दो ऑप्शन बांट दो, इसको भी ए दे दीजिए, ठीक है ना। इसको किस राउंड में करना, इसको दूसरे राउंड में करना है। तो पहले राउंड में हमारा एम क्या होना चाहिए, हमारे सारे सारे इजी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ होता क्या है कि वो बाहर आते हैं और फिर दोस्त से डिस्कस करते हैं, फिर बोलते हैं इसका कैसे लगाया, तो वो बोलते हैं ये तो आसान था, तो वो स्टूडेंट क्या बोलता है मैंने तो ये क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं था, तो इससे रिलेटेड आपको कम फील होंगे। पहले राउंड में आपका क्या करना है, इजी क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन अगर पहले राउंड में बना दिया तो इसके दो फायदे हैं, क्या क्या फायदे। पहला फायदा क्या है कि आपको रिग्रेट नहीं फील होगा कि हमने ये क्वेश्चन छोड़ दिया, इजी थे, 4 मार्क्स के ही थे, लेकिन वो मैंने क्वेश्चन छोड़ा नहीं, ठीक है। दूसरा क्या होगा, इजी क्वेश्चन बनाने से आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है पेपर में, उससे क्या होता है आपको टफ लेवल के क्वेश्चन भी आसानी से बनने के चांसेस होते हैं। तो इजी क्वेश्चन के एक फायदे होते हैं, अगर आपने इजी क्वेश्चन नहीं बनाया तो आप हार्ड में लगे रहे, तो इससे आपको क्या नुकसान होगा कि आपका पेपर में डिमोटिवेशन आने लगेगा, तो उससे बेटर है पहले राउंड में आप इजी क्वेश्चन जरूर से जरूर कर लीजिए, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड राउंड, तो आपके पास कितने मिनट खर्च हो गए, 50, 30, 80, 80, 50, 130 मिनट। पेपर कितने मिनट का होता, तो जेई का पेपर हमको पता ही है ना कि 180 मिनट का होता, ठीक है। तो आपके 130 मिनट चले गए इजी क्वेश्चन बनाने, आप ये सारे क्वेश्चन कर लिए तो आपका तो है ना, आप कट ऑफ क्लियर आराम से कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी एग्जाम में 30% एटलीस्ट तो मिनिमम 30% तो इजी क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है ना। आपको ढूंढना है, वो सर्च करना है कहाँ पर हमारा इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन बनाने से आपका सिलेक्शन गारंटी हो जाएगा, कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। फिर दूसरे राउंड में क्या करना है कि 130 मिनट आपने पहले राउंड में खर्च कर दिया तो आपके पास 50 मिनट बचा, इसमें क्या करना है आपको मॉडरेट क्वेश्चन बनाना है ना, मॉडरेट क्वेश्चन जो लेंदी है लेकिन बन जाएंगे, ठीक है। और ये 50-50 वाले को भी एक बार ट्राई करेंगे, ठीक है ना। 50-50 वाला ट्राई करने से क्या फायदा होगा कि दूसरे राउंड में बनने के चांस होंगे, ठीक है। अगर 50-50 दूसरे राउंड में नहीं बना तो आप तुक्का लगा देंगे, ठीक है ना। 50-50 अगर मान लिया, 50-50 में क्या करिए, आपके पास 50-50 दिया है ना, 5 क्वेश्चन, ठीक है, 5 क्वेश्चन, 4 गलत हो गए, 1 सही, ठीक है, 4 गलत हो गए, 1 सही, ठीक है। जनरली मान लिया 6 क्वेश्चन, तो आपके 2 सही हो जाएंगे, मिनिमम 2 लेके चलते हैं, और 4 गलत, तो -4 इधर हुआ और कितना 8 हो, ठीक है, 4 गुना 8, और ये गलत होने पर क्या होता है, गलत होने पर 1 माइनस होता है, 1 माइनस से कितना माइनस हो 4, तो ओवरऑल आपका क्या ओवरऑल तो प्लस 4 आ रहा है, फायदे भी है, ठीक है ना। तो ऐसे केस में आपको तुक्का लगा देना चाहिए, हाँ, जब आप श्योर है कि आप 50-50 चुन लिए तभी, 4 ऑप्शन में आप कहीं नहीं छाट रहे हैं तो आप तुक्का नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो 50-50 में आप तुक्का लगा सकते हैं। चलिए मॉडरेट क्वेश्चन को क्या करना, मॉडरेट क्वेश्चन को भी बना लेना है दूसरे राउंड में, क्योंकि टाइम टेकिंग है। अगर ये प्रोसीजर हो जाए और आपके पास कुछ टाइम बच जाए थर्ड राउंड के लिए, तो उस केस में क्या करना, आप हार्ड क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, ठीक है, आपका यहाँ से सिलेक्शन भी आ गया और दूसरे पहले इजी क्वेश्चन बनाने से आपका सिलेक्शन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और मॉडरेट क्वेश्चन करने से क्या होगा, आपका रैंक डिसाइड होता है, ठीक है। अब इसके अलावा मैं सजेशन देना चाहता हूँ, कुछ क्वेश्चन ट्रैक क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको क्या होते हैं ट्रैक, ठीक है ना, आपको जाल में फंसा लेते हैं। कैसे, मेरे एग्जाम में हुआ था, मैंने पहली बार जब जेई मेन का एग्जाम दिया था तो मैं एक क्वेश्चन को चैलेंजिंग वे में ले लिया था, वो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट का था और फेवरेट टॉपिक का भी था, मैं बार बार बना रहा, 2 बार बनाया मैंने इस क्वेश्चन को 2 टाइम्स, ठीक है ना, आंसर नहीं आया, मैं कुछ मिस्टेक कर रहा था, तो हमें लगा कि ये बन जाएगा, बस है ना लगे रहो उस क्वेश्चन को ध्यान देते देते वो 30 मिनट ये क्वेश्चन ले लिया, ठीक है, ये 30 मिनट, इससे क्या हो गया मेरा पेपर खराब हो गया, बार बार लग रहा था कि ये बन जाएगा, ठीक है ना, बस थोड़ा सा और टाइम लगेगा। तो ऐसे ट्रैप में हमको फंसने से बचना, क्यों, ऐसे क्वेश्चन क्या करेंगे आपको है ना टाइम बर्बाद करेंगे, ठीक है। मैं इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ, आपने कई लोगों में से रामायण देखा है, ठीक है, रामायण, ठीक है, रामायण में हनुमान जी
जी क्या करते हैं, लंका जाते रहते हैं, समुद्र पार करते समय क्या होता है उनके साथ एक सुरसा नाम की एक राक्षसी रहती है। तो हनुमान जी को चैलेंज करती है लड़ने के लिए, लेकिन हनुमान जी कहते हैं क्या, हमारा अभी टाइम नहीं है लड़ना, क्या क्योंकि उनको गोल तक पहुँचाना है, मदर सीता तक पहुँचना है। तो वो उससे उलझते नहीं है हनुमान जी, तुरंत हम्बल बन के निकल लेते हैं वहाँ से। तो हमको भी वैसे क्वेश्चन जो आपको लगे बन जाएगा, लेकिन वो बार बार आपको टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तो तुरंत वहाँ से निकलने का कोशिश करना चाहिए। कभी कभी लगेगा कि ये तो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है, और उसके बाद लगेगा फेवरेट टॉपिक का भी है, कैसे हो जाएगा इसको बना करेंगे, ईगो में नहीं आना जैसे हनुमान जी ने किया था, ईगो में नहीं आया। अगर आप ईगो में आ जाएंगे तो आप अपना पेपर खराब कर देंगे। तो बेटर है आपको ईगो में नहीं आना, हनुमान जी की तरह प्रणाम करना है और निकल जाना है वहां से, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ और सजेशन देना चाहता हूँ कि कई बच्चे क्या करते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से किसी बच्चे का क्या होता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत मजबूत होता है, ठीक है, मैथ को ध्यान नहीं देते, बोलते हैं कि है ना मैथ बहुत टफ है, इससे क्या होगा। नहीं, ऐसी गलती नहीं करना, ठीक है, क्योंकि आजकल है ना जो उन बच्चों का सिलेक्शन का ज्यादा प्रोबेबिलिटी होता है या रैंक का अच्छा आने का उसी बच्चे का चांस होता है जो बच्चे तीनों सब्जेक्ट को अच्छा करते हैं, अच्छा लगे या ना लगे, ठीक है ना, इंटरेस्ट लगे या ना लगे, आपने तो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसको तो आपको अच्छे से तैयारी करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको जेई में रिजल्ट अगर करना है आपको तीनों सब्जेक्ट को अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। किसी को मान लिया जाए किसी का फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ है ना स्ट्रॉन्ग, चलो ये ले लेते हैं एग्जाम पर, केमिस्ट्री बोरिंग है, ठीक है ना, वीक है केमिस्ट्री, क्लियर है, वीक है, तो क्या करेगा फिजिक्स केमिस्ट्री के मैथ, फिजिक्स और मैथ के भरोसे रहेगा वो लड़का, ठीक है, और ये क्या करेगा केमिस्ट्री वीक है, ठीक है। अब एग्जाम में गया तो फिजिक्स मान लिया मॉडरेट पूछती है, ठीक है, मीडियम पूछती है, ठीक है, मैथ है ना, मैथ उसका सबसे स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, मैथ क्या कर दिया उसको बहुत ही टफ पूछ दिया, टफ, ठीक है, और केमिस्ट्री इजी पूछ दिया, ठीक है। इस कारण से इसके क्या होंगे, इसके दो पेपर खराब हो जाते, केमिस्ट्री इजी है लेकिन उसका तो वीक था ना, वो तो बनाएगा ही नहीं, तो ये तो चले गए पेपर, और टफ है आपको लगता है कि हमको तो मैथ्स में पूरा कर लेगा, लेकिन टफ पेपर अगर बना देता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आप चाह कर भी उसको बना नहीं सकते क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है, तो इसलिए आपको स्मार्ट वर्क करना, तो ये भी गया, तो आप तो मीडियम पेपर इसी को बनाते रहिए जाएंगे तो आपका तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो बेटर है कि आप पी सी एम सारे को स्ट्रॉन्ग करना, सारे को स्ट्रॉन्ग करना, अगर जिन बच्चों का सारे के सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं उनके सिलेक्शन के भी चांसेस बहुत ज्यादा है और उनके रैंक अच्छे लाने के भी चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। यही चीज नीट वाले स्टूडेंट के लिए, सेम चीज सेम स्ट्रेटजी नीट वाले स्टूडेंट भी कर सकते हैं। नीट वाले स्टूडेंट का जनरली फिजिक्स से डरते हैं, है ना, उसमें मैथ्स वाला पार्ट आ जाता है, तो मैं ऐसे स्टूडेंट को सजेशन देता हूँ कि आपका शुरू से आप देखिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, जैसे मैं है ना जेई के स्टूडेंट के लिए, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री है ना, ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, ठीक है। तो कई बच्चे जो स्ट्रॉन्ग है ना तो आके रूम पर क्या करेंगे, अपने कमरे में कौन सा बनाएंगे, फिजिक्स फिर केमिस्ट्री जो स्ट्रॉन्ग है, और जिसको साइड में रखेंगे इसको कहेंगे कि टाइम बचेगा तो बना लेंगे, नहीं, आपका जो वीक है सबसे पहले स्टार्ट उसी से करना चाहिए, पहले मैथ से स्टार्ट करो, है ना, सेल्फ स्टडी में सबसे पहले अपने वीक, आप किसी का भी केमिस्ट्री भी हो सकता है, किसी का भी फिजिक्स भी हो सकता है, तो जो भी वीक है तो आप अपने सेल्फ स्टडी में सबसे पहले उसी को करने का कोशिश कीजिए, इससे क्या होगा वो सब्जेक्ट आपका उस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट आने लगेगा और आपका कोई भी सब्जेक्ट भी क्लियर है। अब है उसी तरह से नीट में जिसका जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में जो भी कमजोर है तो सबसे पहले उसी से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी था, आप इसको अप्लाई कीजिए और अपने नंबर को इम्प्रूव कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, थैंक यू वेरी मच।